आदर्श महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल के पहुंचने की भनक लगते ही किसानों का कॉलेज गेट के बाहर लगा जमावड़ा। अभी फिलहाल हम इस वक्त आदर्श कॉलेज के ठीक सामने हैं। आदर्श कॉलेज महाविद्यालय का ये दृश्य है। आदर्श कॉलेज गेट के ठीक सामने किसान बैठे हुए हैं धरने पर। यहाँ पर दीक्षांत समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल चीफ गेस्ट के तौर पर आए हुए थे। जो ही किसानों को भनक लगी, किसान यहाँ पर उनका विरोध जताने के लिए आदर्श कॉलेज के गेट के ठीक सामने बाहर बैठ गए हैं। ये आदर्श कॉलेज का दृश्य है। किसान संगठनों से जुड़े जो नेता हैं वो अपने अपने विचार जो व्यक्त कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया है। फांसी गेट से लेकर के आदर्श कॉलेज तक की हम बात करें, फांसी गेट पर काफ़ी बस पुलिस की जमा हो चुकी हैं। ये पुलिस की तरफ से बैरिटेक लगाए गए हैं। जिस गद्दार का मैंने बार बार इतना देख दिया, साढ़े दस महीने अंदर जब यो आंदोलन चल रहा है, मैंने पहला भी लिखा था इसका, ये खट्टर जी सरकार आपकी होती है ऐसे मुख्यमंत्री ने और सरमणि से जो जेपी दलाल ने हमें दोबारा बना सकते हैं, हम मंत्री अपना दोबारा बना सकते हैं, लेकिन इस गिरी सरकार पर आज इस्तीफा दे दे, मानस का बीज से दो और मानस का बीज ना से दो, इतने टुकड़ा खाऊंगा इतना फेरी नू इन कोड़े पहुंच लेंगे। तो साथियों गणित तो मैं ना जड़दार गणना गणित का बनना गणित का पेड़ का फायदा गणित थी तो मैं भी। तो साथियों जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा दे दो आना टेंट लगाना पड़ेगा, टेंट काटेंगे तो ऊ बुला लो लोग आ जाए। अभी हमारे ये बता रहे थे। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से गेट बंद कर दिया गया, वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। डेढ़ से दो घंटे तक किसानों ने प्रदेश सरकार व कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ सुरक्षा की दृष्टि से हांसी गेट व पुराना बस स्टैंड के बीच बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने आवागमन किया बंद। जो आज 750 किसान हमारे शहीद हो गए और हरियाणा के अंदर हिसार में किसान पिटे, कन्नार में मर्डर हुआ किसानों का, मारे गए, दो महीने में लाठी चार्ज हुआ, रोहतक में लाठी चार्ज होया, तो पीपली में होया, तो ये दुष्यंत क्या की बात देखे भाई, अब चौटाला में जाके लोग मरेंगे। जेपी दलाल ने सुनना चाहिए एक बार, तेरे प्यार बैठे दिल खातर इतना जोर सुनना चाहिए तुम्हारे नारे में, इंकलाब जिंदाबाद, जेपी दलाल गो बैक, जेपी दलाल गो बैक। अध्यक्ष मंडल व Thank you.
आप यदि सिर्फ फॉलो इस कृषि मंत्री को कुछ आपने जैसे भाषण ने थोड़ी सी बात बदली कर दूसरों में जो क्या जैसे भाई योजना में एक मंत्री बना है जो कि मैं काम करेगा जो किसान जनता के करोड़ों हथियार जनता ने हथियाना ने सुविधा ने और प्रशासन खुल ले रूप में और इसलिए मैंने एक घंटा पहले कहा था आप अपने गांव में अपने मित्रों को टेलीफोन कर दो आने बुला दो बुला चलने आने को नहीं निकल देंगे चाहे तू आए कितनी फोर्स लगा दे कृषि मंत्री महोदय हम करने वाले नहीं है कभी ये सोचता हूँ इतने किसान हमारे सहयोग हो रही है इनका तो जो भी कम चलती किसी प्रकार की चलती उधर बताओ इनका कांडा लग गया तो सब की में खड़ा पावर है और भाई हम तो हरियाणा की नारी है इसको मैं दिखा देंगे कि क्या चीज था और मेरे किसान भाई मजदूर एकता सारे साथ है रिश्ता पहले रुकते हम ये लड़की दिखा दी इस वतन में तो हालांकि पुलिस किसानों के हर कदम पर नजर बनाए हुए थी। काफी समय बाद पुलिस कॉलेज के पिछले गेट से मंत्री को निकालने में सफल हुई। लोगों को जब पता चला कि मंत्री जा चुके हैं तब किसान भी अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। हम जगावा जाएंगे उसका घेरावा करेंगे जगावा जा करके बिल्कुल करेंगे शक्ति नारी सब जाएंगे जितने हमने तो कृषि मंत्री का विरोध करने के लिए आए हैं और उनका बड़े बेखूबी से भिवाणी जिले के सभी किसान और मजदूर भाइयों ने उनका विरोध किया है, है? और हम तो मतलब ये कहते हैं वो बैकडोर से चले गए आगे से आते हैं उनको पता लगता हमें भी पता लगता और हम कभी भी मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम आप इनको ये मौका नहीं देंगे भिवानी जिले में या दादरी जिले में कहीं फंक्शन करने का। मंत्री जी का ये कहना है किसान नहीं है किसी को और कोई किसान नहीं लड़कियों के कॉलेज क्या के गलत है इस प्रकार तो ये तो अगर लड़कियों के कॉलेज क्या के गलत क्या हमने हमारी बेटियों को यहाँ से निकाला आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही होता तो वो यहाँ से निकलता चोरी करके भागते हैं लटकते हैं बेकार है ये नेता चोरी करके भागते हैं कैसा उड़ाते हैं हमने किसको दिखाते क्या चीज है अंदर है जी हमारे बार बार इनको बोल दिया हमने जब भी ये निकल निकल करके भाग जाते हैं पीछे के गेट से चोरी करके तो चोर भी भागते हैं कैसी दलाल नाम बताना चाहते हैं इतना दम था तो सामने आता ही पब्लिक के सामने आकर के बात करता हम भाई को बताना चाहते हैं उसको और आगे से जेजेपी बीजेपी के किसी मंत्री को एमएलए को हम गांव में शहर में कहीं नहीं घुसने देंगे।